हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवयज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। इनसे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उपस्थित भक्तगण, देवियों तथा प्यारे बच्चों, आज निर्मोह सुल्तानपुरी केवट प्रसंग का कार्यक्रम आप सबके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आगे हरीक्षा, राम जी का विचार क्या है ये लोग सुना करते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुसाखी, बोले राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। अक्सर भक्त लोग ये केवट राम जी की बड़ी पावन चर्चा सुना करते हैं। राम जी गंगा घाट पे क्यों गए और केवट से इतनी वार्तालाप क्यों हुई, इसके बारे में अगर विचार किया जाए तो वाकई में केवल भक्त के भाव को विचारते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सरकार गंगा जी के किनारे खड़े हैं और केवट से इशारा करते हैं। अरे अंगूरी इशारे, कहा अंगूरी इशारे बुलाए रहे हो के वटलाव नैया, अंगूरी सारे बुलाए रहे हो के वटलाव नैया। लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लाव नैया, अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाव नैया, आया जी आया। राम जी सरकार आवाज लगाते हैं कि नाव इधर ले आओ और केवट कहता है आया जी आया अभी मैं आया, अभी मैं आया, अरे काहे को जल्दी, हाँ काहे को जल्दी बताई रहे हो के बदलाव नैया,
अरे क्यों इतनी जल्दी बताई रहे हो केवट लावो नैया। कहा सरकार इतनी जल्दी काहे को पड़ी है आपको। राम जी अपना परिचय बताते हुए कहते हैं, अवध निपति के हम सब बालक, अवध निपति के हम सब बालक, अरे रघुबर है परिचय बताई रहे हो के बतलाव नैया। अरे अंगुरी सारे बोलाई रहे हो के वटलाव नैया। राम जी सरकार ने जैसे अपना परिचय दिया उस केवट से, वैसे केवट गंगा के उस किनारे खड़ा है नाव लिए और तुरंत बोल पड़ा। अक्सर सब लोग पढ़ा करते हैं, बोले मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारी मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहता क्या है राम जी सरकार से, प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूं राजा। घर लावो वह बोला लाता हूं राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूं राजा। राम जी सरकार से केवट कहता है, बस बहुत जल्दी हम नाव लेकर के आ रहे हैं। राम जी सरकार पूछते हैं, ये तुम्हारा कितना समय लगेगा, कितनी देर बाद तुम यहां आओगे। उसने कहा सरकार बस बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो सुनो, जितनी बार आवाज देते उतनी बार कहता आता हूं। राम जी सरकार ने पूछा कि कारण क्या है, तो केवट ने कहा सरकार मैंने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है कि छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठी कठिनाई, पाहन तेना तरनी उमुनी घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बात परे केवट ने कहा सरकार
तुम्हारे चरणों में एक ऐसी जादू है ना, अगर उसके लगते ही पत्थर की शिला नारी बन गई तो हमारी नाव तो लकड़ी की है, और अगर कहीं ये लकड़ी वाली नाव नारी बन गई सरकार तो जानते हो क्या होगा। अरे यही प्रतिपालूं सब परिवारू, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू, कहा नहीं कछु जानो और कबारू। कहा सरकार केवट के यहां जन्म लेकर के केवल मैंने नाव चलाना सीखा है और दूसरी कोई जरिया मेरे पास नहीं है, इसलिए आपसे एक निवेदन है, अगर पार जाना चाहते हैं ना तो एक काम करने के लिए हमको आदेश कर दें। कोमल कमलों का मल धोकर, कोमल कमलों का मन धोकर, दोनों को निर्मल कर दूंगा, कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, यह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा, मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौता ले आऊं। बोले कठौते की आवश्यकता क्या है, उसने कहा सरकार सुनो, तो अभी कठौता ले आऊं, पहले लू जांच कठौते को तो नैया को सर कालाऊं, सरकार पहले लू जांच कठौते को फिर नैया को सर का लाऊं। इस कठौते में आपके पैर को सबसे पहले हम पखारेंगे, उसके बाद में नाव ले आएंगे। अब अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो कहा यही घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिला जल था दिखाई हो जू, कहा इससे आप निकल जाएं। केवट ने अंगुली उठाई और कहा आगे जब आप जाएंगे तो बिल्कुल कमर कमर तक पानी पड़ेगा। सरकार ने कहा लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। बोले पैदल उतर जाई सिया गंगा तो पतिव्रत धर्म हो सब भंगा। बोला ऐसा क्यों? अरे केवट ने कहा सरकार ऐसा क्यों? राम जी सरकार ने कहा सुनो, नारद स्मृत माही बिचारा, नारद स्मृत माही बिचारा, जलमा चौकी वरुण अपारा, बोले जलमा चौकी वरुण अपारा, जल में वरुण देवता का वास होता है और इसलिए ऐ केवट कहा कति प्रमाण जल जहां पर होई,
अरे तहां पर नारी हलत नहीं कोई, प्रिय भक्त जनों, गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके प्रिय कलाकार पंडित माता फेर तिवारी निर्मोही सुल्तानपुरी के कई शानदार कार्यक्रम, जैसे लक्ष्मण शक्ति, शिव विवाह, शिव कलेवा, राम शबरी मिलन, केवट संवाद, राम विवाह, सीता हरण, राम अंगद युद्ध, सती अनसुईया, भीष्म प्रतिज्ञा, राम वनवास, भरत चरित्र, नारद मोह, नकली साधु, अनुसुईया नर्मदा संवाद, भस्मासुर वध, घंटहा बाबा, निर्गुण भजन, भगवान शंकर की गंगा यात्रा, राजा आम्रराज की कथा, श्याम सुंदर की रासलीला, बिना भैंस का दूध व मूर्ख राजा बुद्धिमान पंडित इत्यादि। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। बोले तहां पर नारी हलत नहीं कोई, कटि प्रमाण जल जहां पर होई। केवट ने कहा, सरकार अगर वो कमर से ऊपर पानी है या कमर तक पानी है और उसमें अगर देवियां हलती हैं तो उनका नुकसान क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा, कहा गर्भ छिद्र बिन सतस कुमारी, अरे तासन हो न पुंसक नारी। इसलिए हम तो पार जा सकते हैं लेकिन भगवती सीता इसमें हल करके नहीं जाएंगी। केवट कहता, सरकार अगर नहीं जाएंगे हल करके ना, तो सबसे पहले हमसे अपने चरण को धुलवाओ तुम। देखो दुनिया वालों ने पूछा, एक सेवक जो है राम जी सरकार से बहस कर रहा है, राम खड़े हैं सामने, अरे पड़े लखन जी बोल, और रक्त बरन नैना हुए, हृदय रहा है डोल। राम जी सरकार खड़े आनंद ले रहे हैं और केवट की बात पे लक्ष्मण भैया को बहुत बड़ा क्रोध आया, और जब ये लाल लाल आंखें करके केवट की तरफ देखने लगे, उसने कहा, ओ छोटे सरकार, जब तक इन अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, मैं कसम राम की खाता हूं, मैं कसम राम की खाता हूं, इनको नहीं पार उतारूंगा। केवट ने कह दिया, कहा, वो छोटे सरकार, मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं, जब तक हमसे अपने चरण को नहीं धुलाएंगे तब तक मैं इनको पार नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारा विचार बनता है ना तो सुनो, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, धर से सर मेरा कलम कर दो,
धड़ से सर मेरा कलम कर दो, चाहो तो रघुबर के आगे ये जीवन मेरा खत्म कर दो। और कहा लक्ष्मण एक बात तुमको और बताएं, जो तुम हमको बार बार आंखें दिखा रहे हो ना, एक बात तो तुम सुन लो कान खोल करके। आए हो घाट हमारे तो जो कहूंगा वो करना होगा, अरे तुमने है जैसा कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा। बोले मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गलत कर्म किया है जिसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। केवट ने कहा तुम भूल गए लेकिन वो दिन हमें याद है। अरे राम जी ने कहा भैया कौन सा दिन रहा, तो केवट ने कहा सरकार सुनो, जन्मों जन्मों का बैर आज एक पल में मैं निपटाऊंगा, अन्यथा यहां से लौट जाओ नहीं इनको पार लगाऊंगा। कहा सरकार या तो आप यहां से इनको लेकर के लौट जाएं। अरे राम ने कहा भाई ये कौन सा नुकसान तुम्हारा किए हैं। केवट ने कहा सरकार सुनो, फिर से सावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी, सावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी, सागर तट पर ना ये माने ना वो कुछ बात मानती थी। तुमने जो चाहा वहां किया, कहा क्षीर सागर में आप शयन करते थे और मैं कछुआ बन करके गया तुम्हारे पैर को छूने के लिए, इन दोनों प्राणियों ने हमको सीधे वापस कर दिया। तुमने जो चाहा वहां किया, चाहूं जो तुम्हें करना होगा, अन्यथा करेंगे क्षमा प्रभु पग पीछे ही धरना होगा। देखो भाई केवट बार बार अपनी जिद कर रहा है ना, होता क्या है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चित जान की लखन तन। बात तो होती है केवट से और सरकार हंसते हैं जानकी और लक्ष्मण जी को देख करके। दुनिया वालों ने पूछा लक्ष्मण और जानकी जी को देख के क्यों हंसे, तो कहा सुनो,
जब जनकपुरी में राघव के संग हुई सगाई सीता की, जब जनकपुरी में राघव के संग अरे हुई सगाई सीता की, रघुबर के संग में जनकपुरी से हुई विदाई सीता की, सीता जी जनकपुर से आई अवधपुर में, और जब अवधपुर में आई उस समय पूरा परिवार बैठा है, बैठा सारा परिवार लखन राघव के पैर दाबते थे, सीता सेवा करना चाही तो छोटे सरकार कांपते थे, राम जी के पैर को भैया लक्ष्मण दबा रहे थे, सीता जी का विचार बना इन चरणों की सेवा हम करें, उनका विचार बनता है इनकी सेवा हम करें, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सेवा करूंगा और इस झगड़े का निपटारा अगर करवाया तो बाबा वशिष्ठ महाराज ने, आज राम जी सरकार सोचते दोनों प्राणी यहां तुम खड़े हो और केवट कहता अगर कहो तो तुम्हारे चरण को धोवें, और इसीलिए बार बार लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ लखना पड़ा राम जी सरकार को, चितई जानकी लखन तन। आओ सुनो, केवट कहता है प्रभु हमसे करो ना तकरार, प्रभु हमसे करो ना तकरार, ना उना ले अब राजा, प्रभु हमसे करो ना तकरार, तुम्हारे चरणवा की चल है जो जादू, तुम्हारे चरणवा की अरे चल है जो जादू, नारी बन जई है नैया हमार, अरे नारी बन जई है नैया हमार, नाव ना ले अब राजा, प्रभु हमसे करो न तकरार, नाव प्रभु हमसे करो न तकरार, यक नारी बोले हम गंगा नहाबई, यक नारी बोले हम गंगा नहाबई, दूजी जमुना का हो ये तैयार, नाव नहीं ले अब राजा, प्रभु हमसे करो न तकरार, प्रभु हमसे करो न तकरार, नाव नहीं ले अब राजा, Thank you.
बहुत इंतजार, अरे ना कराओ बहुत इंतजार, नाव नहीं लई राजा। प्रभु हमसे करो न तकर